नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल घुमक्कड़ 24 में। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ हुमायूं का मकबरा। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित हुमायूं का मकबरा भारत में मुगल वास्तुकला का प्रथम उदाहरण है। यह मकबरा 1562 में हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो बेगम के आदेश पर बनाया गया था। इस परिसर में मुख्य इमारत मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं की कब्र के अलावा उसकी बेगम हामिदा बानो तथा बाद के सम्राट शाहजहां के बड़े पुत्र दारा शिकोह और कई उत्तराधिकारी मुगल सम्राट आदि की कब्रें स्थित हैं। यमुना नदी के किनारे मकबरे के लिए इस स्थान का चुनाव इसकी हजरत निजामुद्दीन से निकटता के कारण किया गया था। संत निजामुद्दीन दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत हुए हैं। वह इन्हें दिल्ली के शासकों द्वारा काफी माना गया है। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यहीं शरण ली थी। बाद में उन्हें ब्रिटिश आर्मी के कैप्टन हॉटसन ने यहीं से गिरफ्तार किया था और फिर उन्हें रंगून में कैद कर दिया गया था। दिल्ली से अपने विदा होने को बहादुर शाह जफर ने इन शब्दों में बांधा है, जलाया यार ने ऐसा कि हम वतन से चले, बतौर शमा के रोते इस अंजुमन से चले। तो मुगल सम्राट हुमायूं की कब्र आप देख सकते हैं। इस परिसर में हुमायूं के मकबरे के अलावा अन्य स्मारक भी आपको देखने को मिलेंगे। पक्षियों की आवाज़, पेड़ पौधे यहाँ के घूमने के अनुभव को और भी बेहतरीन बनाता है। ये ट्रेन की आवाज़ निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से आ रही है, जो कि हुमायूं के मकबरे के काफ़ी पास है। और ये है नीला गुंबद, बहुत ही खूबसूरत इमारत। इसके बारे में डिटेल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। परिसर में जितने भी स्मारक हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। आप किसी भी एंगल से देखें, आपका अनुभव जो है बहुत ही बेहतरीन होगा। खास करके हुमायूं का मकबरा, दिस इज द बेस्ट। इतना खूबसूरत लगता है, आप जिस तरीके से वीडियो में देख रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत अगर आप इसे अपनी आंखों से सामने देखें तो वो दिखेगा। ईसा खान के मकबरे की खुदाई के दौरान प्राप्त अवशेष आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपको लेके आ गए हैं ईसा खान नियाजी का मकबरा, जो कि हुमायूं के मकबरे से कुछ ही दूरी पे बना है। मकबरे के अंदर ईसा खान और उनके भाइयों के कब्रें हैं। ईसा खान के मकबरे में एक मस्जिद भी है जो मकबरे के पूर्व में है। ये रही मस्जिद जिसकी मैं बात कर रहा था। इसी के साथ दोस्तों, मैं यह वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह एफर्ट पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। थैंक यू सो मच।